चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। ये बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लकी डेट है, बहुत खास डेट है, तो हमें खुशी है इस बात की कि इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को चुनाव है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आम आदमी पार्टी को इन तीनों राज्यों में मिलेगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमारे नेता की क्रियाशीलता के आधार पर ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सही निर्णय करने वाली। सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब में पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। अब तैयारी है रण की, तैयारी है फतेह की। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए, वो घंटी बज गई है। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनमें यूपी में सभी 7 फेज में वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक एक चरण में चुनाव होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। यूपी में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी के अलावा मार्च में 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे। सभी फेज की 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसमें फैसला सामने आ जाएगा। द डेट ऑफ काउंटिंग इज 10th March 2022, दैट इज थर्सडे। लास्ट ईयर, लास्ट टाइम 2017, द इलेक्शन वर अनाउंस्ड ऑन 4th of January एंड द काउंटिंग वाज ऑन 11th एंड हियर वी आर अनाउंसिंग ऑन 8th। सो वी आर स्क्वीजिंग द टाइम एज आल्सो एंड द फेसेस आल्सो। हर पार्टी ने कमर कस ली है, हर पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार जनता की सेवा किए हैं, ये स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी 300 पार हम करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है, उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से। इस बार मतदाताओं की संख्या बड़ी है, ऐसे में कोरोना और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरा प्लान तैयार किया है। 690 विधानसभा सीट में 18.34 करोड़ मतदाता होंगे। इस बार 24.9 लाख मतदाता बड़े हैं। वहीं 29% मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 1620 पोलिंग बूथ में सिर्फ महिला कर्मचारी रहेंगे। नए नियम के साथ सियासी मैदान तैयार है, नए घमासान के साथ, नए मुद्दों के साथ तय होगा कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और कौन अपना किला बचा पाती है, किसके दुर्ग में सेंध लगती है। आज तक ब्यूरो।